हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल ही हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने फिनिश कर लिया है 57 तक सेट। जो लास्ट वीडियो हमने कल रात देखी होगी वो सेट 57 तक थी, 2017 के। यस, उसके बाद की जो वीडियो थी सेट 58 से लेकर के सेट 65 तक की, वो हमने बनाई हुई है। यस, वो आपको स्टेनोग्राफर के नाम से मिल जाएगी। अभी फिलहाल हाल ही फिलहाल में ही मिल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं मिलेगी वीडियो आपको। नहीं जाएंगे जब आप तो उल्टी चलेगी, बल्कि वीडियो इसी 58 ऐसे करके फिर नीचे चलेगी। मतलब हमें, हालांकि मैंने पहले ये बनाई थी 65 से, मैंने शुरू करा था बनाना 65 का, फिर 64 का ऐसे करके बनाना शुरू करा था। लेकिन वो अपने आप सिद्धि होगी होगी, क्योंकि वीडियो जो लास्ट में आई होगी 58 आ गई होगी लास्ट में। तो इस तरह से सिक्वेंसिंग ऑर्डर चल रहा होगा वीडियो। तो ये वीडियो बनाई हुई हमने 65 तक। आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 66। 66 सेट है CPO मेंस का। ये भी 2017 का ही है, 2017 का है। मेंस का है तो इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे 200। अब 200 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है, दो में भी कवर करना मुश्किल है। ये वीडियो बनेगी आपके चार पार्ट में। यस, एक दो तीन चार, यानी कि आज दो पार्ट, कल दो पार्ट, ये वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चार पार्ट में, यानी कि दो दिन में। फिर अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, यहाँ पे बुक स्टॉल खुल रहे हैं अल्टरनेटिव डेज में, तो मैं नई वाली बुक ला करके इसको यहीं रोक करके बस बाकी सेट जो भी है इसको रोक दूंगा मैं। CPO वगैरह के जो भी सेट रहे, दो चार रहे, ज़्यादा नहीं है। मैं 2019 के सेट शुरू कर दूंगा आपके। यस, तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का सेट, सेट नंबर 66। पहला क्वेश्चन इसका कॉमन एरर से रिलेटेड है। कितने क्वेश्चन होते हैं ये तो डिपेंड करता है वीडियो की लिमिट पे। मैं शुरू कर रहा हूँ बस फिलहाल। बोथ संतोष एंड रोहित हैव देयर इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूजडे। देखिए, बोथ और एंड का होता है पेयर। बोथ के साथ में एंड चलता है हमेशा पेयर में, ये कन्फर्म है। और ये लगता है दो लोगों के लिए। कितने के लिए? दो लोगों के लिए। एक बात और ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको इस रूल से, बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखें आप। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं कहने लगूँ, बोथ राहुल एंड सुनील हैव नॉट डन देयर वर्क, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। आपको इसको सही करना हो तो आप बनाएंगे इसको नेदर से, नेदर राहुल नॉट सुनील हैज डन हिज वर्क, नेदर नॉट से बनाएंगे। बोथ एंड वाला सेंटेंस का भी नेगेटिव नहीं बनता है, ये छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है। बोथ संतोष एंड रोहित दोनों के लिए आइए वो, अब इसलिए हैव लगाया है सेंटेंस, ठीक है। देयर इंग्लिश पेपर ड्यू ऑन संडे, दिनों के नाम से पहले उसने इन लगाया है, क्योंकि ड्यू की बात हो रही है, यहाँ ड्यू की वजह से आया है। वैसे तो ऑन आता है, ड्यू की वजह से यहाँ पे इन आया है, ड्यू इन नहीं, गलती है ये, ड्यू ऑन संडे, ऑन ही आएगा। डेज नेम से पहले हमेशा ऑन लगाते हैं, ध्यान रखिए, डेज नेम से पहले हमेशा लगाते हैं ऑन। तो ये आपका यहाँ पे ऑन ही आना है, यानी कि इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। द डिसीजन विल लिविंग हर इन अ पर्टिकुलर सॉरी पेकुलर पार्टिसिपेंट। विल एक मॉडल वर्ब है आपकी, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि यह नहीं है, यह एनजी फॉर्म है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, ये बाहर। लीव नहीं आएगा क्योंकि विल लीव आ रहा है, अगर लीव लगाएं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन है सिंगुलर। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होती तो काम चल जाता, सिंगुलर वर्ब नहीं है ये, प्लूरल है, ये भी बाहर हुआ, तो ये आपका होगा सिर्फ और सिर्फ बी। अगर यहाँ पे लीव होता तो ये काम सही सही हो सकता था। यस, फिलहाल ये भी गलत ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर थर्ड कह रहा है कि सम चिल्ड्रन आर मच मोर एग्रेसिव देन अदर्स। यहाँ पे देन की स्पेलिंग में गड़बड़ी करी गई, हालांकि ये मिस्टेक वो मान रहा है नहीं मान रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्टेक है। अगर ये मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बात रहता है, वरना ये मिस्टेक है। यहाँ पर THEN की जगह THAN आना चाहिए था, बाकी सब कुछ ठीक है। यस, सम चिल्ड्रन आर मच मोर एग्रेसिव देन अदर्स, यहाँ पर देन कंपरेटिव वाला आएगा, वो देन टाइम वाला है। क्लियर बात। कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयज। वॉयज बोलते हैं यात्रा को, किसको बोलते हैं? यात्रा को। कैप्टन रणजीत सेफ्टी नेविगेटेड,
नेविगेटेड यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? एज ए वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना कंपलसरी है। दुनिया का सा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो वर्ब के बिना बन जाए, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। जब वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे पीछे एडवर्ब चाहिए था। क्या चाहिए था यहाँ पे? एडवर्ब। और एडवर्ब आपका सेफ्टी नहीं, सेफली होगा, तो यहाँ पे सेफ्टी की जगह आप इसे करेंगे सेफली, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। अब सेफली कितनों में है? ये आपका सेफली नेविगेटेड, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आफ्टर अ पीरियड फॉर इम्प्रेजनमेंट शी रिनाउंस्ड टेररिज्म। आफ्टर अ पीरियड के साथ में आप लगाएंगे ऑफ, याद करो जरा, मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे पढ़ोते हैं, आपने पहले ही पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो आपने ही पढ़ा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, और ये वैसे भी रिपीट है सेंटेंस, पिछली वीडियो में आया हुआ है सेंटेंस, आप लोग भले ध्यान देता हूँ लेकिन मुझे सब ध्यान रहता है भाई। तो यहाँ पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रेजमेंट शी रिनाउंस टेररिज्म, यहाँ पे पीरियड के साथ में ऑफ आएगा, तो यहाँ पे पीरियड के साथ में ऑफ सिर्फ और सिर्फ पहले पोर्शन में ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का हो जाएगा ए। सिक्स सेंटेंस, एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज़ हिज ओन सेट इन प्रेजुडाइज। यहाँ पे सेंटेंस है फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड, सेट इन यहाँ पर होना चाहिए था सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है श्रेणी। एवरीवन इन द फ्रेटर्निटी हैज़ हिज ओन सेट ऑफ प्रेजुडाइज, तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका सेट ऑफ। सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज अरेस्टेड, सेंटेंस जुड़ा आपका एज वेल एज से, किस जुड़ा आपका एज वेल एज से, जब सेंटेंस कनेक्टेड हो एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, किस से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, किस से, अलोंग विद से, तो सेंटेंस में दो शब्द जुड़े होते हैं लेकिन वो आती है बाद वाले के हिसाब से, किसके हिसाब से, बाद वाले के हिसाब से, बाद वाला है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे वोज नहीं वर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे वर। सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सेवन्थ का ए हो जाएगा। द गैस इज बीइंग सिपिंग आउट ऑफ द रॉक, आउट ऑफ द रॉक, यहाँ पे सिप आपका एक वर्ब है, सिप क्या आपका एक यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ समस्या ये है कि उसने लगाया है द गैस इज बीइंग सिप, बीइंग लगाया है, सेंटेंस को पैसिव में ले जा रहा है, इज एम इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, अगर सेंटेंस में हो तो समझो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। तो इसके साथ आपको चाहिए थी थर्ड फॉर्म, सबसे पहली बात तो ये, जो कि यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, अगर गलत है तो यहाँ थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं है, तो वैसे तो गलत हो गया, यानी कि सी भी बाहर हुआ, बी भी बाहर हुआ, बिकॉज इज एम आगे हाथ या तो आती है आईएनजी फॉर्म या आती है थर्ड फॉर्म, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये वैसे ही बाहर हो गया बिकॉज ये गलत है, तो इसका आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ बचा ए, द गैस इज सिपिंग आउट ऑफ द रॉक। एप्पल्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फोन एंड टैबलेट iOS 11 इज गेटिंग सम मच सॉट आफ्टर अपडेट। एप्पल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ऑपरेट सिस्टम, यस एप्पल्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, सुना होगा आपने भी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं नॉट ऑपरेट सिस्टम, क्लियर बात। इट इज रेनिंग इजंट इट, ये आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, कह रहा है कि इट इज रेनिंग, हेल्पिंग वर्ब को ही लेकर के सेंटेंस बनाएंगे, तो अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव, इजंट इट, इजंट इट ही वाक्य में है, इसका सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस आपका नो एरर है, सेंटेंस आपका नो एरर है, सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। संतोष आस्क मी, राइट इंडेक्स सेंटेंस है, ध्यान से देख लीजिएगा, संतोष आस्क मी वेयर वॉज माई पेन, जब सेंटेंस एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो वेयर यहाँ पे, यानी कि डायरेक्ट इंडा सेंटेंस है, संतोष आस्क मी वेयर, डब्लू फैमिली के बाद यहाँ तुरंत सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट होना चाहिए था, फिर आपकी वर्ब आएगी, डब्लू फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में हो तो तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट इंडा का सेंटेंस हो या ना हो। यहाँ पे संतोष आस्क मी वेयर माई पेन वॉज, सेंटेंस का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेवंथ का ए, यस। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं भी चाहूँगा अब दिखाऊंगे। आवर कंपनी एम्स ऑन हेल्प स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टू लीव एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली। आवर कंपनी एम्स, एम के साथ आया प्रपोजिशन ऑन,
क्या है आपका प्रपोजिशन ऑन। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड आया करता है, यानी कि एनजी फॉर्म सबसे पहली बात, तो ये गलत तो है। दूसरी बात आप ध्यान रखें, कुछ फिक्स प्रपोजिशन मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ कि आप उनको याद करना है कौन कौन सी हैं। वो फिक्स प्रपोजिशन एम के साथ में, ध्यान से सुन लीजिएगा, एम के साथ में या तो लगाते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर एम के साथ लगाते हैं एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या लगाते हैं? एम प्लस एट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि एनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एनजी फॉर्म, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा और कंपनी एम्स टू हेल्प या फिर एट हेल्पिंग। ये तो गलत हो गया, ये दिया हुआ गलत है ही, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला है आई वॉज बोर्न इन 16th November 1986। सबसे पहला सेंटेंस इसी बेस पे था, मैं बताना चाह रहा था बात आपको वहाँ पे, लेकिन मैंने बात रोक ली थी अपनी, मुझे नहीं पता था कि आगे भी आ जाएगा। मैंने कहा कि डेज नेम से पहले, डेज नेम से पहले हम हमेशा लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे। डेट प्लस मंथ हो, डेट प्लस मंथ हो तो भी ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन ही लगाते हैं। आई वॉज बोर्न ऑन 16th November 1986, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 पे चलते हैं, कह रहा है कि द कॉन्फ्रेंस विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमन्स अचीवमेंट। फिर विल आ गया है, विल आपके एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसका मतलब दिया हुआ पोर्शन है आपका गलत। दिया हुआ पोर्शन आपका क्या हो गया? ये गलत है, ये तो कन्फर्म है कि दिया हुआ पोर्शन आपका गलत है। अब सही क्या होगा उसे देख लीजिएगा फटाफट से, क्या ऑप्शन हो सकते हैं सही इसके। विल के साथ होनी चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब दिया हुआ गलत है। अब या तो विल बी लगाएं हम यहाँ पर तो ठीक हो, यस क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन आगे अ का एन नहीं कर सकते बिकॉज सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन से पहले कोई वाउस नहीं आया है, तो अ ही ठीक है, एन नहीं कर सकते। विल बी अ ठीक है, वुड भी नहीं कर सकते, सेंटेंस कहीं भी पास्ट का फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साथ में एन भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि एन के साथ में आपको कोई वाउस साउंड का लगाना चाहिए, तो ये भी इसे गलत हो गया। तो विल बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमन्स अचीवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। यहाँ पे 15 सेंटेंस में उसने लगाया फैक्ट्स का प्लूरल वर्ब, क्योंकि फैक्ट्स कहा उसने, क्या कहा उसने? फैक्ट्स, तो इसका प्लूरल ही वर्ब चाहिए थी, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है, बाकी सभी वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हैं। द पेडेस्ट्रियन शुड टू बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड, ये भी आपका गलत हुआ। कोई भी मॉडल वर्ब ऐसी है ही नहीं जो बिना मेन वर्ब के चल जाए, मॉडल वर्ब ही एक ऐसे वर्ब है जिसके साथ में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। यस, तो यहाँ पे शुड के साथ ही भी आएगा, शुड भी, और बाकी कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा भी नहीं मस्ट नोट आगे काम चल जाए, शुड नोट आगे काम चल जाए, क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है फिर। तो द पेडेस्ट्रियन शुड बी कॉशियस वाइल क्रॉसिंग द रोड, इसका आंसर हो जाएगा बी। सुमित्रा वुड हैव मिस्ड द कैब इफ शी हैड नॉट, वहाँ सेंटेंस जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, हरिड। ये दो बुक है, मैंने बैचलर्स में पढ़ा योगी शायद पहले कभी, तो यहाँ पहले से ही लिखा गया है पोर्शन, कई क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं, कई बार बच्चे भी लिख रहते हैं पढ़ाते वक्त, क्योंकि एक बच्चे की ही बुक हमने ली हुई है, ये बुक नहीं थी, तो लॉकडाउन में फिलहाल बुक मंगा करके हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो ये लिखा हुआ हरिड। सुमित्रा वुड हैव मिस द कैब इफ शी हैड नॉट हरिड, ये क्या रूल है आपका कंडीशन सेंटेंस का? कंडीशन सेंटेंस का सेंटेंस है ये रूल है, अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, वही तो है, इफ़ वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका वाला सेंटेंस ही आपका नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है मृदुला सीम्स ऑलमोस्ट इम्परवियस टू द क्रिटिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। यहाँ पे ध्यान रखें आप, उसने जहाँ पे लगाया इम्परवियस के साथ में हमेशा टू ही आता है, ध्यान रखें, यानी कि दिया गया पोर्शन भी कुछ सही है, इम्परवियस टू, यानी कि प्रभावित ना होना किसी चीज़ से, तो यहाँ पे ठीक है सेंटेंस, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 19, चंद्रास गुड जेस्टर्स विल हाईली अप्रिसिएटेड।
विल हाईली अप्रिसिएटेड। चंद्रास के जो गुड जेस्चर्स हैं वो बहुत हाईली अप्रिसिएटेड है। यहाँ पे सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है आपको ये देखना होगा। पहली बात तो ये, आपको यहाँ पे सेंटेंस को ले जा रहा है पैसिव, विल के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ पर लगाई उसने सेकंड या थर्ड फॉर्म। इसका मतलब दिया पोर्शन गलत है। अब या तो यहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाऊँ या फिर फर्स्ट फॉर्म बनाऊँ। विल बी हाईली अप्रिसिएट, ये कहना गलत हो जाएगा बिकॉज बी लगा दिया। बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। विल बी हाई अप्रिसिएटिव, ये भी कहना गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे फिर वर्ब भी नहीं आई है। विल बी हाईली अप्रिसिएटेड, इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं बैठ रहा। फिर द ब्लैक स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड बाय फॉग लाइटनिंग। द ब्लैक स्काई, यहाँ पे सेंटेंस को फिर से लेके जा रहा है पैसिव में। किस में लेके जा रहा है सेंटेंस को? वो पैसिव में। यहाँ पे उसने ब्लैक स्काई साथ में लगाया वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव में जा रहा है, जो कि ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज आगे वाई भी खड़ा हुआ है। बाय से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ये भी बात ध्यान रखें आप, यानी कि इस पोर्शन में भी कोई मिस्टेक नहीं है। अगला देखें, सुमाथी वॉज अ इंडस्ट्री एंड विलिंग वर्कर। अब ये तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल इतने भी नादान आप नहीं होंगे कि आपको दिख रहा है आई, आई के साथ में अ लगाएंगे। इतना कोई बेवकूफ़ बच्चा नहीं है भाई, ये एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। यहाँ पे आपका एन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे? एन। चलो जी, सबसे पहले तो एन आएगा, एन आया, एन यहाँ पे भी नहीं है, एन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको लगाना है एडजेक्टिव, ये भी ध्यान रखें आप। इज एम आर वॉज वर्क के साथ में, मैं हमेशा बताता हूँ कि एन जी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, याद रखें। बी की फैमिली साथ, बी की फैमिली तीन तरह चलती है आपकी, टाइम एंड टेंस मैंने पढ़ाया आपको, मेरी वीडियो है यहाँ पे, वो प्लस टाइम एंड टेंस पार्ट वन पार्ट टू। हालांकि पार्ट थ्री अपलोड नहीं कर पाया था मैंने, चैप्टर शुरू से पढ़ा शुरू कर देता आर्टिकल पिन डाउन, जब टाइम एंड टेंस पहुंचे तब उसको शुरू शुरू करूँगा, फिर मैं शुरू से सुनी पार्ट थ्री से शुरू करूँगा। बी की फैमिली तीन तरह से इस्तेमाल होती है। पहला पार्ट है इसका एडजेक्टिव, लगना साथ में इसके कोई, दूसरा एन जी फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म लगा करके। ये तीन तरीके हैं इसको ठीक करने के। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रियस, जिससे सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मन भाषा में। मार्टिन लूथर के साथ सेकंड फॉर्म लगाई, हालांकि सेकंड फॉर्म पे किसी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस सेंटेंस आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गलत कैसे हो सकता था यहाँ पे? ट्रांसलेट नहीं हो सकता बिकॉज मार्टिन लूथर है, या तो ट्रांसलेट्स करें। आईएनजी फॉर्म कभी बिना थर्ड फॉर्म के, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती है। हैव नहीं आ सकता बिकॉज मार्टिन लूथर यहाँ पे हैज आता, इसका मतलब दिए हुए पोर्शन वैसे ही गलत है। तो आप कुछ लगा भी सकते हैं, अगर मन में थोड़ा बहुत ख्याल आ रहा हो कि ये लगा दूँ वैसे लगा ठीक कर दूँ, तो आप वैसे भी ला सकते हैं। सभी ऑप्शन आपके दिए गए गलत हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका पैसिव का, एक्टिव पैसिव पे है, तेजी से देखिएगा, सॉरी नरेशन पे है, माफी चाहूँगा। रीराइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, यानी कि आपको उल्टा बनाना है। अभी तक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करते हैं, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। अक्षय सेड दैट ही वॉज प्लेइंग ड्रम्स, आपको वॉज दिख रहा है प्लस आई एन जी, आपको इज एम आर ढूंढना है प्लस आई एन जी ढूंढनी है। इज एम आर कितने में? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं 24 पे, मालिनी सेड दैट शी वुड गो फॉर द मीटिंग, आपको दिख रहा है वुड, आप ढूंढिए विल, क्या ढूंढिए आप? विल, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 24 का भी आंसर हो जाएगा सी। मैंने आपको हमेशा बताया है आप इस तरह के सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ रेस से बाहर निकालना सीखें, बनाने की कोशिश आप ना करें, कदापि ना करें, आप सेंटेंस को बना ही नहीं पाएंगे। हालांकि तो बहुत टूचे टूचे सेंटेंस रखे आप बना लेंगे बहुत ईजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों दिमाग लगाएं अपना जब हमें सब कुछ करा कराया मिल रहा है। तो 25 सेंटेंस देखें, सुमंत सैड दैट ही वुड हैव कॉल्ड अ डॉक्टर, आपको फिर वुड दिख रहा है, आपको विल ढूंढना है। विल कितनों में है? पहले में है लेकिन हैव नहीं है, दूसरे में है लेकिन हैव नहीं है, तीसरे में है, ठीक है, चौथे में फिर शुड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। आनंद सेड दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, फिर वुड आ गया, वुड का बी, विल ढूंढिए, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, लेकिन दूसरे में बी नहीं है, इसलिए ये रेस से बाहर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका ए, विल बी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेंटेंस 27 है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडन, ही वॉज दिख रहा है आपको, आपको ढूंढना है इज ए मार, क्या ढूंढना है आपको? इज ए मार, कितनों में है इज ए मार, उसको ढूंढना है। यस, सबसे पहली बात तो आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है? इज एम आर, कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। ही थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ होगा आई और ही, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, यहाँ पे ही लगाया गया, हो सकता है कि ही हो। ही सेड
ही सेड अलास अलास आई एम अंडन ही इज़ अंडन। अब यहाँ पर सेंटेंस डाउटफुल बन जाता है बच्चे के लिए खासकर कि क्या लगाएं, क्योंकि ही थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है इसलिए ही लगाया हो सकता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही भी लगाया जा सकता है। अब क्या करा जाए ऐसी कंडीशन में, आप ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को पहली प्राथमिकता देंगे उसके बाद सेकेंड पर जाएंगे, यानी किसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ही आस्क मी व्हाट आई वॉज डूइंग। आई वॉज डूइंग यानी कि आपको ढूंढना है इज एम आर का, ढूंढना है आपको यहाँ पे इज एम आर। अब इज एम आर कितनों में है वो देखिए फटाफट से, पहले में है यस, दूसरे में है यस, तीसरे में है यस, चौथे में है नहीं। ही सेड टू मी सेंटेंस कनेक्ट हुआ वर्ड से, वर्ड्स ही रहने देंगे इसको यस। चलिए वर्ड के तुरंत बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखें पहले में आ रही है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा फर्स्ट। 29 संजय सेड दैट ही वॉज गोइंग टू डेली देन, देन का नाउ पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। सबसे पहली बात वोज वर्क हो जाएगा इज एम आर, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तीसरे में है लेकिन वो वैसे ही बाहर हो चुका है, देन का देन, चौथे में भी है। अब यहाँ फिर से ही बनाया आपका ही, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है, आई को आप सब्जेक्ट के हिसाब से ही कर सकते हैं, और ही थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भी नो चेंज रहता है तो हो सकता है कि ही भी रहा हो, लेकिन मैंने फिर कहा है प्राथमिकता फर्स्ट पर्सन को देंगे, यहाँ पे आई ही आएगा आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखा 30 कह रहा है कि ही सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढनी है फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस आई एस भी ढूंढना पड़ सकता है। देखिए फिलहाल दे के साथ तो ऐसे ही सहाय नहीं करता, इसे हमार की जरूरत नहीं है, हैव की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बस आपका वी प्ले क्रिकेट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पेज समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सेंटेंस 31 राजेश टोल्ड सुमित्रा दैट ही लव्ड हिज पेरेंट, लव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, पहला वाला बाहर, दूसरे वाला शामिल, तीसरे वाला बाहर, चौथे वाला इसलिए बाहर बिकॉज आई के साथ एस या एस नहीं आया करता, तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा बी। अंजना सेड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, इज वॉज बार आ गया है तो आपको ढूंढना है इज एम आर, क्या ढूंढना है आपको इज एम आर, इज एम आर कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी फोर्थ। प्रभु सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, फिर से वॉज बार आ गया है, आपको फिर से इज एम आर ढूंढना है, इज एम आर कितनों में है ये देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, अब आपके पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेकेंड ऑप्शन ही लगाना है बी। शी सेड दैट शी वुड बी प्लेइंग विद हर किड्स, वुड भी है तो आपको विल भी ढूंढना है, विल भी फर्स्ट में नहीं है यानी कि ए में नहीं है, बी में नहीं है, सॉरी बी में है लेकिन बी नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, विल भी है और आई एन जी भी है, वुड भी हो जाएगा और आई एन जी ही रहेगा, यानी किसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपके सेंटेंस आ गया सर बिल्कुल सीक्वेंस इन ऑर्डर, यानी कि आपको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेंटेंस नंबर 35 सुंदर सैड आई विल गो टू माई सिस्टर्स हाउस टूडे, मेरा मानना यह है कि ये थोड़े ईजी थे, ये थोड़े ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ बनाना है, वहाँ बना बनाया था काम। विल को ढूंढना है विड वुड सॉरी, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में ही है, इसका आंसर होगा आपका साफ साफ डी, नो टेंशन विदाउट टेंशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस 36 शिवा सैड आई हैव रेड द नोवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस, हैव आ गया है, आपको हैड बनाना है, क्या बनाना है उसका हैड, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड यानी कि सी, और कोई इसका आंसर फिलहाल तो नहीं बैठेगा। कुमार सैड आई एम अनवेल इज एम आर का वॉज वर्क, ए में जी नहीं, बी में जी नहीं, सी में जी नहीं, डी में यस, इसका आंसर हो जाएगा डी, 37 का डी हो जाएगा आंसर। चलते हैं 38 पे। प्रभा सैड टू प्रभु प्रेम वॉज प्लेइंग कार्ड, वॉज वर्क प्लस एन जी, आपको बनाना हैड बीन प्लस एन जी, यस ध्यान रखें आप इन चीज़ों को, वॉज वर्क प्लस एन जी तो आपको बनाना हैड बीन प्लस एन जी, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए यानी कि पहला ही। आपके पास डायरेक्ट इंडायर के रूल्स भी हैं या नहीं है यस yes, हालांकि मैंने कराया हुआ है, मेरी वीडियो में ही जाकर देख सकते हैं आप, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायर भी दोनों की वीडियो पड़ी हुई हैं, ग्रामर टॉपिक पर जाइए आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे आराम से, बहुत ईजली मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, और रूल्स वैसे भी आपको याद ही होंगे यस yes, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 39 कह रहा है सुरेश सेड टू मी आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, बस ध्यान रखें डायरेक्ट इंडायर बनाते वक्त कोई रूल नहीं है, प्रेजेंट में नहीं बनना सेंटेंस, जब तक कंजक्शन से पहला हिस्सा पास्ट में है तो कंजक्शन के बाद वाला ही पास्ट में रहेगा, कंजक्शन से पहला ही अगर प्रेजेंट में हो तो आपको प्रेजेंट बनाना है, बस इतना सा काम करना है, कोई रूल इसके लिए कामयाब नहीं है, बस इससे बेस्ट रूल कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि डेट से पहले पास्ट आएगा सेट टू का टोल्ड हो जाएगा तो बस आगे वाला ही पास्ट होना चाहिए, हैज बाहर हो गया, हैड का शामिल हुआ रेस में, इस बाहर हुआ,
वो इसलिए बाहर हो गया बिकॉज हैज को हैड बदलते हैं, यानी कि इसका आंसर पी हो गया। सेंटेंस नंबर चलते हैं 40 पे। 40 सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 40, निशा सेड टू सुनील, आई विल नॉट बी गोइंग फॉर द क्लास। फिर से बिल आ गया, आपको फिर से वुड बनाना है। वुड कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 44, रहीम सैड आई विल हैव, फिर से बिल आ गया है, फिर से वुड ढूंढिए। पहले में है लेकिन हैव नहीं है, दूसरे में हैव भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज, सेट द जज, ऑप्शन हमारे पास उधर है। इंपरेटिव सेंटेंस है, बस ये ध्यान रखिएगा। द जज कमांड, कमांड्स, कमांड्स नहीं, कमांडेड। यह सेंटेंस पास्ट बनेगा, ये बाहर। द जज प्लीडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्लीडेड प्रार्थना नहीं करेगा जज, द जज कमांडेड, जज कमांड करेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए बाहर। इसका आंसर हो जाएगा डी। वेयर डू यू लिव, सेड द स्ट्रेंजर, सेंटेंस है आपका डब्ल्यू फैमिली से कनेक्टेड हुआ हुआ, यस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। उसके बाद में लीव का हो जाएगा लीव्ड, पहले में है, दूसरे में भी है, लेकिन यह इंक्वायर्स है, इंक्वायर्स नहीं करेंगे बिकॉज सैड है ऊपर, तो इंक्वायर्ड होना चाहिए, ये बाहर है इससे। दूसरा इसमें शामिल लेकिन हेड की वजह से बाहर, तीसरा फिर से इंक्वायर्स की वजह से बाहर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट। वसंत सेड टू प्रवीण, आई हैव ईटन थ्री एप्पल्स, हैव आ गया है, आपको बनाना है इसको हैड, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अम्बु सेड टू सुरेश, प्रिया इज प्लेइंग द गार्डन, फिर से इज एमआर वॉज बर, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। 46 अनिता सैड, आई हैव बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 मंथ, हैव बीन, आपको बनाना हैड बीन, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम, यानी कि ए। ही सेड टू हिम, इज नॉट योर नेम कृष्णा, इज एम आर को बनाना है वर्ड्स वर्ड, पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है। ही इंक्वायर्ड हिम वेदर, हिज नेम वॉज नॉट कृष्णा, हो सकता है चांसेस बन रहे हैं इसके भी। अगला, ही इंक्वायर्ड हिम वेदर माई नेम, जी नहीं, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ये बाहर। ही इंक्वायर्स, ये इंक्वायर्स की वजह से बाहर हो गया और ये वैसे बाहर हो गया बिकॉज इज है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही। नेक्स्ट जो है वो है आपके एक्टिव पैसिव। यस, सेंटेंस को बनाना है एक्टिव वॉइस में, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस पैसिव पहले से ही आपको एक्टिव बनाना है। ये आपके 10 सेंटेंस है, मैं आपको ये करा रहा हूँ, फिर इसका पैसिव बनाना मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यस, एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव पैसिव की वीडियो हमने डाली हुई अपने ग्रुप में, प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल की, सौरभ जैन सर, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कीजिएगा, आपको एक्टिव पैसिव की वीडियो ईजिली मिल जाएंगी, वहीं से आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। द फ्लूट इज बींग प्लेड टू बाय शंकर, इज बींग एम बींग अगर दिखे तो आपको इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? इज एम आर प्लस आई एन जी। अगर जब भी आपको सेंटेंस में इज बींग एम बींग दिख जाए, क्या दिख जाए, इज बींग एम बींग आर बींग कुछ भी प्लस थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव बनाते समय इसका इज एम आर प्लस आई एन जी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आई एन जी, थर्ड फॉर्म की आई एन जी हो जाएगी। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। द टेलीफोन हैड बीन इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, हैड बीन को बनाना सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में कहीं भी हैज की फैमिली हो, हैव की फैमिली हो, प्लस बीन हो, प्लस थर्ड फॉर्म हो पैसिव में, आपको उसे बनाना हैव की फैमिली ही प्लस थर्ड फॉर्म डायरेक्ट, बस बीन हट जाएगा यहाँ पे, हेड से बीन हट जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये बाहर हुआ रेस से, ये रेस से बाहर हुआ, सिर्फ और सिर्फ रेस में शामिल हुआ आपका सी, इसका सी आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 50, द अ चिल्ड्रंस स्टोरी इज रिटन बाय अमित, अगर आपको इज एम आर दिख रहा हो डायरेक्ट सिर्फ इज एम आर, तो आपको ढूंढना है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इज एम आर हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ढूंढनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ई एस बी, एस या ई एस बी, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ढूंढिए फर्स्ट फॉर्म प्लस एच आई एस, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए एक बार रफली रूल देख लीजिए फटाफट से, बार बार आ रहा है तो बता ही दूंगा आपको, एक्टिव और पैसिव।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस चेंज हो जाएगा इजेमार में, किस में इजेमार में। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में, हैज़ हैव साथ में हैड भी चेंज हो जाएगा हैज़ हैव हैड प्लस बीन में। अगर मॉडल वर्ब देखे प्लस फर्स्ट फॉर्म तो बना देंगे मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको दिख जाए वॉज वर्ब प्लस एनजी तो वॉज वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कनेक्ट हो जाएगा आपका बीइंग, क्या कनेक्ट हो जाएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर प्लस एनजी दिखे तो इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कनेक्ट हो जाएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आनी आनी, ये ध्यान रखें आप। सेंटेंस है आपका अगला, द बुक्स एग्जीबिशन हैड बीन ओपन्ड बाय द गवर्नर। फिर से आ गया हैड बीन, हैड बीन आ गया है तो आपको ढूंढना हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सिर्फ सिंपल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट ही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस आपका नेक्स्ट 52, थोड़ी हवा चल रही है बच्चों इसलिए दिक्कत हो रही है। अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड, फिर से वॉज वर आ गया है प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसे में थर्ड फॉर्म आनी आनी है, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म। हैड गिवन नहीं आएगा, हैज़ गिवन नहीं आएगा, गेव सेकंड फॉर्म है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आवर हाउस वॉज बिल्ट, फिर से वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म, तो बिल्ट ही ढूंढना है खाली, हैड नहीं आएगा, बिल्ट नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा टी, माई फादर बिल्ट आवर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है 54, दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर कुमार, फिर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म, इसलिए ये बाहर हुआ। अगला ऑप्शन अगले पेज में है, चलते हैं वहाँ पे। मिस्टर कुमार राइट्स, ऐसे ही नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म वाला ठीक है। द पोएम इज़ बीइंग, क्या दिखा आपको, इज़ बीइंग एम बीइंग दिखे तो आपको ढूंढना है इज़ एम आर प्लस आई एन जी, इज़ एम आर प्लस आई एन जी, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। बाय हुम वॉज दिस वर्क डन, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढनी है सेकेंड फॉर्म, क्या ढूंढनी है आपको सेकेंड फॉर्म। हु डिड दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, अ फ्यू बैग्स वर बॉट बाय हिम, फिर से आपको दिख रहा है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढनी है सेकेंड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म जी नहीं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म जी नहीं, सेकेंड फॉर्म जी, फर्स्ट फॉर्म जी नहीं। द पिक्चर हैड बीन ड्रॉन बाय मी, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, अगर हैज हैव हैड प्लस बीन हो तो आपको हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, बीन हटा देना है, तो ऐसे बीन हट जाएगा, हैड ड्रॉन हो जाएगा खाली, पहले में नहीं है, थोड़ी है, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी कोई इसका आंसर नहीं रहेगा। ही वॉज टेकन, सेंटेंस नंबर आपका नेक्स्ट, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढने सेकंड फॉर्म, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा से शामिल, क्योंकि टेक फर्स्ट फॉर्म है। ये थे आपके पैसिव से एक्टिव बनाने। अब शाम वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव से पैसिव बनाने, यानी कि इसको उल्टा बनाना, और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। 59 सेट क्वेश्चन तक मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है इसको हम लोग चार पार्ट में लगभग सोल्व करेंगे, तो पहला पार्ट आपका यहाँ इस तरह कंप्लीट होता है। यस, चारों पार्ट हम इसके कवर करके रहेंगे, आपको खूब अच्छे से आपको वीडियो को देखें, क्योंकि ध्यान रखें जो भी मेंस का सेट होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो किसी का भी मेंस का हो, क्योंकि 200 क्वेश्चन में हर चीज़ भरपूर मात्रा में आएगी, क्लोज टेस्ट, PQRS, एक्टिव पैसिव, पैराग्राफ, पैसेज, कॉमन एरर, वन वर्ड, idiom, सिनोनिम, सब कुछ आपका भरपूर मात्रा में आएगा, बिंदास आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा 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 देखें, कुछ भी ना स्किप करें, इसमें से चारों पार्ट के लिए इसका इंतजार करें, चारों पार्ट देखें। यस, ये प्रॉफिटेबल होगी आपके लिए, बहुत अधिक प्रॉफिटेबल होगी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को सुनेंगे और वीडियो देखेंगे। यस, फिलहाल चलते हैं, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।